हेलो फ्रेंड्स, हम पहले भी पैथोफिजियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट पे वीडियो डाल चुके हैं, तो ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी इन डिजीज, ए कॉजेज, बी पैथोजेनेसिस, बी मॉर्फोलॉजिकल चेंज, डी थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है ये डी ऑप्शन, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट होगा। विच, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल डेथ। सेल डेथ क्या होती है? तो एपोप्टोसिस जो होती है वो, उसको क्या कहते हैं? सेल डेथ कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है लिपोलिसिस, सी ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूको नियोजेनेसिस। तो वह ऑप्शन ए राइट होगा, एपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल एजेंट ऑफ सेल इंजरी, हॉट सरफेस, डायल्यूट एससीएल, वायरस, हाइपोक्सिया। तो यहाँ पे हॉट सरफेस जो है ये फिजिकल एजेंट है, डायल्यूट केमिकल हो जाएगा, ये सब नेचुरल हो जाएंगे या बायोटिक हो जाएंगे। तो अभी हॉट सरफेस जो होगा ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाइपोक्सिया इज अकर इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। हाइपोक्सिया मीन्स क्या होगा? ऐसी कंडीशन जिसमें टिश्यूज तक ऑक्सीजन ना पहुंचे, हमारी बॉडी तक नॉर्मल कंडीशन में सेल ग्रोथ ना हो। फर्स्ट एनीमिया ऑप्शन है, बी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, सी लंग डिजीज एंड डी थायरॉयड डिजीज। थायरॉयड डिजीज जब होती है तो प्रॉपर मात्रा में हमें बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसकी वजह से सेल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, थायराइड डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयाट्रोजेनिक कॉजेज मीन्स सेल इंजरी बाय नर्स, सेल इंजरी बाय फिजिशियन, सेल इंजरी बाय फार्मासिस्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, सेल इंजरी बाय फिजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स, एडॉप्टेशन मीन रिवर्सिबल चेंज इन साइज ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल, फिनोटाइप ऑफ सेल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो कोई ऐसा चेंज जिससे लगे एडाप्टेशन है तो सारे चेंजेस में काउंट होंगे, डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द एबव इज नॉट सेलुलर एडाप्टेशन, इनमें से कौन सा सेलुलर एडाप्टेशन नहीं है? तो ये हाइपर प्लेसिया। हाइपर प्लेसिया मीन्स क्या होता है? सेल की ग्रोथ होना, जितनी अमाउंट चाहिए हमारी टिश्यूज और ऑर्गन को उतनी मात्रा में ग्रोथ होना। मेटाप्लेसिया क्या होता है? नॉर्मल, मतलब ओल्ड से न्यू का रिप्लेसमेंट मेटाप्लेसिया कहलाएगा, मतलब ओल्ड सेल से न्यू सेल्स का रिप्लेसमेंट। एंड सी जो है हाइपोप्लेसिया मीन्स जितनी मात्रा में बॉडी या ऑर्गन को चाहिए उतनी मात्रा में डेवलपमेंट ना हो तो हाइपोप्लेसिया कहते हैं। एंड हाइपरट्रॉफी कब कहते हैं? हाइपरट्रॉफी जब ज़्यादा ग्रोथ हो सेल्स की, जैसे एक्सरसाइज एंड जिम एंड अदर वो लेते हैं इक्विपमेंट्स हम बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे कहेंगे हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पूछा है विच ऑफ द एबव इज नॉट सेलुलर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, हाइपोप्लासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्कीमिया कॉजेज फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या कॉज करता है? इस्कीमिया जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड सप्लाई को रोकता है, डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ एनए पंप, इंक्रीज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड सी इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम एंड डी डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। तब ऑप्शन इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम जब होगा तो ब्लड सप्लाई जो होगी रिस्ट्रिक्ट होगी। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस लेड टू मेम्ब्रेन डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज, डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारे होंगे ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। 10th क्वेश्चन है, इन्फ्लेमेशन इज डिफर फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? स्वेलिंग आना किसी चीज में। इन्फेक्शन क्या होता है? लाइक घाव होना या कोई अदर इन्फेक्शन। तो यहाँ पे ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेल मेडिएट इम्यूनिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट, टी सेल, बी सेल एंड स्नोफिल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी राइट होगा, टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडनेस इन इन्फ्लेमेशन इज अकर ड्यू टू,
इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन एंड माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। वैसो डायलेशन होगा इसकी वजह से कम होगा, क्योंकि वैसो डायलेशन तब होता है जब हमारी ब्लड वेसल जो होती हैं रेस्टिंग फेज में होती हैं, तो तभी रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेलिंग इन इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इस्कीमिया, इडिमा, वैसो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इन डर्मिस, इनफिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। अभी बी ऑप्शन राइट होगा, इडिमा। इडिमा क्या होता है, जब हमारी सेल्स के अंदर क्या हो, एक्सेसिव फ्लूइड भर जाए, स्वेलिंग आ जाए हमारे पैरों में, हाथों में, इसकी वजह इसे क्या कहते हैं, इडिमा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द इडिमा इज मोस्ट लाइकली द रिजल्ट ऑफ वैसोडायलेशन हो सकता है, इंक्रीज एट्रियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो सकता है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। यहाँ पे डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव राइट होगा, तो डी लगाएंगे आंसर। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, द सेल विच मोस्ट लॉस्ट एबिलिटी टू प्रोलिफरेट इज कॉल्ड स्टेबल, लेबाइल, परमानेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर डेली द डिले द हीलिंग प्रोसेस, इन्फेक्शन, पुअर ब्लड सप्लाई, मूवमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इन्फेक्शन भी होगा तो हीलिंग में होकर, पुअर ब्लड सप्लाई होगी एंड मूवमेंट, तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगेगा, ऑल ऑफ द अबव। 17 क्वेश्चन है, ई जी एफ स्टैंड फॉर एनर्जी ग्रोथ फैक्टर, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इडिमा ग्रोथ फैक्टर एंड एंजाइम ग्रोथ। तो यहाँ पे इपिथेलियल, बी इपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पीजीएस आर वैसो एक्टिव एमाइंस, कॉग्स पाथवे प्रोडक्ट, लॉक्स पाथवे प्रोडक्ट एंड साइटोकाइनेसिस। अभी बी ऑप्शन राइट होगा, कॉग्स, कॉग्स पाथवे प्रोडक्ट जो है वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डी, सी डी एट प्लस सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पर टी सेल, हेल्पर बी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड नन ऑफ देम। अभी सी आंसर होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एच एल ए स्टैंड फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीबॉडी, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एजेंट एंड ह्यूमन ल्यूकोटेरिन एंटीजन। यहाँ पे ऑप्शन होगा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब जो हमारे सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस ही ना कर सकें, उन्हें क्या कहेंगे, ऑटो इम्यून डिजीजेस। क्या होगा, जैसे कोई सेल है वो क्या कर रही है, किल कर रही है, ऑटो इम्यून डिजीज अगर हो जाती है हमारी अवन सेल को भी कर सकती है, जो मतलब हमारे लिए यूजफुल है या यूजफुल भी नहीं है उन्हें भी मारेगी। तो ये हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स भी, हाइपो एक्टिविटी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स से डिक्रीज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड डी इंक्रीज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। यहाँ पे ऑप्शन होगा डिक्रीज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई बिटवीन सेल्फ, तो ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ कभी सेल्फ को छोड़ देगा और कभी नॉन सेल्फ को छोड़ देगा, तो इंटर करके हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, सेल्फ को किल कर देगा जो हमारे लिए यूजफुल सेल्स हैं या यूजफुल न्यूट्रिएंट्स या बैक्टीरिया हैं उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, IgG, IgM, IgE एंड IgA। IgE ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, ये प्लाज्मा सेल से बनता है मेनली, प्रोडक्शन जो होता है IgE का प्लाज्मा सेल्स करती हैं। 23rd है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रिएक्ट विथ एलर्जेंस, एलर्जेंस से कौन रिएक्ट करता है, IgE ही करता है, ये प्लाज्मा सेल से बनता है, IgE होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस इज एग्जांपल ऑफ टाइप फर्स्ट हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी एंड टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप फोर्थ हाइपरसेंसिटिविटी, सी टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी जो होगी वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोग्राफ्ट आर, आइसोग्राफ्ट क्या होता है, जो ग्राफ्ट बिटवीन द डोनर एंड रेसिपियंट ऑफ द सेम जीनोटाइप, जब एक दूसरे के सेल्स को क्या किया जाता है,
सेम जीनोटाइप या फिनोटाइप होता है, सेम जेनेटिक रिलेशन होता है, तो उनमें क्या हो, ग्राफ्टिंग हो, एक्सचेंज हो, उसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग और या और आइसोग्राफ्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, ग्राफ्ट बिटवीन द डोनर एंड रेसिपियंट ऑफ द सेम जीनोटाइप। उसका जीनोटाइप सेम होना चाहिए, सेम फैमिली से या तो हो या तो जीनोटाइप सेम हो। यहाँ पे आंसर बी राइट होगा, तभी आइसोग्राफ्ट हो सकता है, इस कंडीशन के बिना नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।